host Megha, and a very warm welcome to our special program, which is all about the great Amitabh Bachchan. As you all know, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 77 साल के हो चुके हैं. हिंदी सिनेमा जगत में 50 साल पूरे कर चुके हैं. 50 साल बेमिसाल शहंशाह फिल्म इंडस्ट्री को दे चुके हैं. और इन सबके बीच में आज इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन बड़ी बड़ी खुशियों के बारे में जो बच्चन फैमिली से आ रही हैं. एज यू ऑल नो, बच्चन परिवार का हर एक सदस्य लाखों की फैन फॉलोइंग रखता है. श्वेता बच्चन, नंदा, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या, अभिषेक, इवन आराध्या बच्चन तक, इन सब पर मीडिया की नजरें रहती हैं. तो बिग बी के बारे में अगर चर्चा करें तो बिग बी को ढेर सारी खुशियां मिली हैं हिमाचल की हसीन वादियों में. बिग बी को ढेर सारा प्यार मिला है हिमाचल की खूबसूरत वादियों में, जहां बिग बी फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग करने के लिए गए. यकीनन हिमाचल का ये ट्रिप बिग बी को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि बिग बी को यहाँ लोगों का प्यार मिला. बिग बी ने यहाँ जाकर अपने आप को जाना और उनका सामना हुआ उस लोकप्रियता से जिसका अंदाजा भी उन्होंने शायद ही लगाया होगा. हिमाचल में शूटिंग करने गए ब्रह्मास्त्र की बिग बी मुंबई लौट चुके हैं, लेकिन अब मनाली से जो खबरें आ रही हैं लगातार बिग बी को मिली खुशियों को लेकर, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है और इस रिपोर्ट के जरिए वही खुशखबरियां आप तक पहुंचाएंगे. देखिए जरा. बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं. इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग को लेकर बिग बी काफी ज्यादा बिजी हैं. ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ये दोनों नजर आने वाले हैं. और फिलहाल जैसा कि आप सब जानते ही हैं, लगातार महानायक अमिताभ बच्चन ब्रह्मास्त्र की शूटिंग को लेकर काफी प्यारी प्यारी बातें सोशल मीडिया के जरिए शेयर करते जा रहे हैं. मनाली में बीते दिनों इस फिल्म की शूटिंग हुई. मनाली के लोगों की तारीफ बिग बी कर चुके हैं और अब क्योंकि मनाली को बाय बाय कहने का वक्त हो गया, तो बिग बी ने हिमाचल में हुए पारंपरिक स्वागत के लिए सभी को बड़ा सा धन्यवाद कहा. महानायक अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे होंगे. ये ट्वीट बिग बी ने वहां के लोगों के लिए किया है. अपनी ट्वीट में ब्लैक एंड व्हाइट खुद की तस्वीर उन्होंने शेयर की है. वो पारंपरिक टोपी और हैवी जैकेट के साथ गॉगल्स लगाए हुए नजर आ रहे हैं. बिग बी काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं. बिग बी की इस फोटो को, उनके अंदाज को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. और उससे भी ज्यादा खास है इस तस्वीर के साथ लिखा गया कैप्शन. दरअसल इस फोटो को कैप्शन देते हुए बिग बी लिखते हैं, उनका पारंपरिक स्वागत के लिए हिमाचल प्रदेश के शुभ चिंतकों और विशेष रूप से जहां से हम काम कर रहे हैं मनाली, उनको इतने प्यार और केयर के लिए धन्यवाद. बता दे आपको, सरकार ने बिग बी को हिमाचल प्रदेश का मेहमान घोषित कर दिया. इसी वजह से बिग बी को वहां पर कई लोग मिलने के लिए आए. बिग बी बिलासपुर मंडी कुल्लू में शामिल हुए. यहां के लोगों ने बिग बी को पारंपरिक शॉल, टोपी, फूल, ये सब कुछ देकर उनका स्वागत किया. लोगों ने शांतिमय तरीके से अमिताभ बच्चन से मुलाकात की. दो दिन तक मनाली में शूटिंग हुई. इसके बाद अमिताभ बच्चन वापस मुंबई वापस आ गए. बता दें आपको, फिल्म ब्रह्मास्त्र लगातार चर्चा में है और फिल्म को और भी ज्यादा चर्चा में लाने लग गई हैं बिग बी की ये एक्टिविटीज. और इस वक्त एक बड़ी खुशखबरी जो बिग बी को लेकर ये आ रही है कि 77 साल के अमिताभ बच्चन अपने स्टारडम की बदौलत कई लोगों को दे रहे हैं बड़ा बड़ा चकमा. जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, महानायक अमिताभ बच्चन जो हैं अपने स्टारडम की बदौलत बॉलीवुड के नए हीरोज पर पड़ रहे हैं भारी. अब आप जरा खुद ही सोच कर देखिए, बिग बी जो ये कहते हैं कि अब संन्यास लेने का वक्त आ गया है, उनके संन्यास से हटकर उनकी फैन फॉलोइंग है जो इस कदर बढ़ चुकी है कि मनाली में जब वो शूटिंग कर रहे थे और गुरुवार सुबह करीब 6 बजे मंडी से चंडीगढ़ के लिए जब रवाना हुए,
तो बिग बी से मिलने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल जैसे ही उनके फैंस को ये पता चला कि बिग बी मंडी में है, फैंस ने सुबह 5 बजे ही होटल पहुंचकर बिग बी से मिलना जुलना शुरू कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी आपको इस वक्त हमारी रिपोर्ट में नजर आ रही होंगी। अमिताभ बच्चन ने फैंस के साथ फोटो खिंचवाए। हिमाचल की आवभगत से बिग बी काफी खुश हुए। उन्होंने आगे जाकर हिमाचल में बसने की इच्छा जाहिर की। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, बिग बी को फैंस के साथ फोटोज खिंचवाते हुए बिग बी कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में भी अपने चाहने वालों के साथ तस्वीरें खिंचवाना बिग बी ने नहीं छोड़ा। और इन सबसे खास बात ये है कि लोगों ने बिग बी को प्यार करना नहीं छोड़ा। सबसे खास बात यह है कि लोग अमिताभ बच्चन को लगातार प्यार देते जा रहे हैं। वाकई ये प्यार ही है जो आज भी बिग बी को सिनेमा से दूर नहीं कर पाया है। ये प्यार ही है जिसकी बदौलत आज भी मजबूती के साथ महानायक अमिताभ बच्चन सिने प्रेमियों के दिल के करीब हैं और पर्दे के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखा आपने किस तरह से महानायक अमिताभ बच्चन को मनाली के लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है। बिग बी को हिमाचल की खूबसूरत वादियों में इतनी ज्यादा अटेंशन लोगों की मिली है, इतना सम्मान मिला है। अब आगे बढ़ते हैं और बिग बी के रिटायरमेंट की बात करते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म की अनाउंसमेंट जब लोग सुनते हैं खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन रिटायरमेंट का जिक्र होता है तो लोग मायूस हो जाते हैं। इसी रिटायरमेंट का ऐलान बिग बी ने किया है। वो ऐलान क्या कहता है, ब्लॉग में बिग बी ने क्या कुछ लिखा है, सुनिए जरा। हिमाचल के कुल्लू के नगर में शूटिंग हो रही थी बिग बी की अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के एक सीक्वेंस की, तो बिग बी ने रिटायरमेंट लेने की बात कह डाली। बिग बी लिखते हैं, घाटी की खूबसूरत वादियों की तारीफ करते हैं, प्रकृति की जटिलताओं, प्रकृति से अपने प्रेम का जिक्र करते हैं। बिग बी लिखते हैं, माय लव रिटायर होने का समय, जंगल के बीच इसकी शुरुआत, कॉल शांत अंधेरा और गहरा। बिग बी अपने ब्लॉग में माता त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर के फोटो अपलोड करते हैं, ब्लॉग में पहाड़ों और देवी देवताओं का जिक्र करते हैं और कह देते हैं कि अब रिटायर हो जाने का वक्त आ गया है। जैसे ही महानायक अमिताभ बच्चन जो हैं वो रिटायरमेंट की बात अपने ब्लॉग के जरिए लिखते हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दरअसल बिग बी के रिटायरमेंट को लेकर उनके फैंस के मन में एक अलग तरह का डर हमेशा से रहा है। महानायक अमिताभ बच्चन के फैंस ये कतई नहीं चाहते कि वो रिटायरमेंट लें और पर्दे से दूर हों। बिग बी के फैंस चाहते हैं कि वो हमेशा पर्दे के साथ जुड़े रहें, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ पॉसिबल होता हुआ कम ही नजर आ रहा है। बिग बी ये ऐलान कर चुके हैं कि अप्रैल 2020 में एक बार फिर हिमाचल की वादियों में जाएंगे और एक बार फिर से वहां जाकर अपने रिटायरमेंट को लेकर विचार करेंगे। अगर मन ऐसा ही बना रहा तो हिमाचल की इन्हीं वादियों में अपने रिटायरमेंट का ऐलान करके बड़े पर्दे से दूर हो जाएंगे। गाइज आपको बता दें, बिग बी जब जब रिटायरमेंट की बात करते हैं उनके फैंस उन्हें तोहफे के रूप में ढेर सारा प्यार दे देते हैं, और यही प्यार है जो उन्हें मिल रहा है, यही प्यार है जो बिग बी को एक बार फिर से मिल रहा है। इस बार भी उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, इस बार भी उन्होंने अपने रिटायरमेंट को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही हैं, और इस बार भी लोग कह रहे हैं अभी ना जाओ छोड़कर। यकीनन अगर बिग बी हमेशा फैंस की बात सुनते रहे, अगर अमिताभ बच्चन हमेशा फैंस जो चाहते हैं वो करते रहे, तो बिग बी कभी भी बड़े पर्दे से दूर नहीं होंगे और कोई भी रुकावट उन्हें आप सबसे दूर कर ही नहीं पाएगी। सो गाइस हमारे खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। अमिताभ बच्चन को लेकर आ रही जो भी बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं उन सबकी अपडेट्स हमने आपको दी, और अब इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। We will meet you guys soon with some more exciting updates of your favorite TV serial, your favorite Bollywood celebrity. But till then, stay tuned to our channel and stay updated.